महाराष्ट्र में एनसीपी के दो विधायक लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि दौलत दरोड़ा और नितिन पवार लापता हैं। एनसीपी ने लापता होने की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी के विधायक लापता हो गए हैं और उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये दो विधायक गए तो गए कहां, क्योंकि कल राज्यपाल ने 30 नवम्बर तक का वक्त यहां पर दिया है बीजेपी और अजीत पवार को। 30 नवम्बर से पहले पहले अपना जो बहुमत है फ्लोर टेस्ट जो है वो यहां पर देना होगा। लेकिन दौलत दरोड़ा और नितिन पवार ये दो विधायक एनसीपी के बताए जा रहे हैं जो कि लापता हैं। शिकायत दर्ज करवा दी गई है एनसीपी के जरिए, लेकिन फिलहाल कुछ भी सबूत यहां पर फिलहाल पुलिस के हाथ लगते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, एक के बाद एक कई मोड़ सामने आ रहे हैं, तो उसी बीच एनसीपी के विधायक नितिन पवार लापता बताए जा रहे हैं। बेटे ने और साथ ही एनसीपी ने भी इनके लापता होने की रिपोर्ट दाखिल कराई है। तो एक तरफ जहां गठजोड़ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक विधायक गायब, एनसीपी के दो विधायक गायब बताए जा रहे हैं। लाल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कहा जा रहा है कि विधायक नितिन पवार जो है वो 23 तारीख को यानी कि कल सुबह 6:30 के लिए 30 मिनट में मुंबई के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उसके बाद से घर लौटे नहीं है। फोन से संपर्क भी उनका नहीं हो पा रहा है। और ये सिर्फ आपको बता दें कि नितिन पवार ही नहीं बल्कि एक और विधायक हैं जो कि लापता हैं, और कुछ विधायकों से लगातार फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका फोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी के दो विधायक जो कि लापता हैं, फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी के इन विधायकों का लापता होना कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। तो जो महाराष्ट्र में सियासी गठजोड़ अब सुनाई दे रही है उसको लेकर एकाएक करके कवायदे तमाम पार्टियां अपनी तरफ, अजीत पवार जहां पर कई विधायकों के समर्थन की बात कह रहे हैं, तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि बीजेपी अपने बहुमत को साबित ही नहीं कर पाएगी। और ऐसे में इस बीच खबर ये आज सुबह कि दो एनसीपी के विधायक फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं और संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हालांकि शिकायत दर्ज करा दी गई है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कोशिश पुलिस की इन विधायकों का पता चल पाए।